असलकम दोस्तों आज हम हावर्ड बिजनेस रिव्यू की इस किताब मैनेजर्स हैंडबुक के तीसरे चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस पे डैनियल गोलमैन की किताब बहुत मशहूर है जिसमें उसने हम सब के लिए आसान करके बता दिया इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है आज अगर हम देखा देखें तो मैनेजमेंट साइंसिस में कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स एंड ट्रेड्स जो लीडरशिप और मैनेजमेंट के लिए हमारी ज़रूरत है हायरिंग हो आपके इम्प्लॉज़ की पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो आपकी करियर प्लानिंग हो आपकी जो ऑपरेशनल एक्सेलेंस है सब चीज़ों के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की अहमियत बहुत ज़्यादा है और अगर आप देखें इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या मेनली फ़ाइव एलिमेंट्स हैं जिसकी बुनियाद पे हम इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्कस करते हैं नंबर वन सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ़ अवेयरनेस का मतलब है कि आप अपने इमोशंस के साथ अवेयरड हों कब कैसा क्यों फील होता है हॉट बटन्स कौन से हैं आपके और नंबर टू पे है सेल्फ रेगुलेशन हाँ असेसमेंट हो गई अवेयरनेस आ गई अब कंट्रोल कैसे करना है किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड करना है आपने सो so, इस तरह से ये दो एलिमेंट्स के बाद तीसरा एलिमेंट है मोटिवेशन मोटिवेशन का मतलब है एंड एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन जो आपको आपके गोल्स अचीव करने के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ मोटिवेट रखते हुए हेल्प करे ताकि आप अचीव कर सकें अपने तमाम गोल्स नंबर फोर है एम्पथी एम्पथी मीन्स वॉकिंग इन द शूज़ ऑफ अदर पीपल

मेंटेन किए जाते हैं कैसे आप रिलेशनशिप डेवलप करते हैं कैसे आप उनको नर्चर करते हैं तो ये पांच स्किल्स अगर आपके पास हों तो आप किसी भी इन्वामेंट में काम कर रहे हैं कॉपोरेट ऑफिशियल इन्वामेंट में आप अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं दूसरों को हेल्प कर सकते हैं कलेक्टिव ग्रोथ हो सकती है और आप एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पे अपने करियर में कामयाब इंसान बन सकते हैं तो so, आज के टॉपिक हाँ आज हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के टॉपिक पे बात की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके साथ जिस टॉपिक का नाम है पोजीशनिंग योर सेल्फ फॉर सक्सेस इस किताब में क्या लिखा है ये किताब क्या कहती है कैसे आप पोजीशन करेंगे अपने आप को सक्सेस के लिए थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने का आप समझते हैं अगर आपके कुछ दोस्त जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ये इन्फॉमेशन उनके काम आ सकती है तो ये इन्फॉर्मेशन ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए और आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी थैंक यू गॉड ब्लेस यू अल्लाह हाफिज़